वो मेरा जो सपना है, खास अभी सोचा था वो आज पूरा हो गया है। तो आज पढ़ाई करके आज आप सबके बीच आने का मौका मिला। तो मेरी जर्नी के बारे में अगर कुछ कहूँ कि कैसे मैंने UPSC की सिविल सर्विस जो परीक्षा है वो पास की और अच्छी रैंक हासिल की, तो सबसे पहले तो ये बता देती हूँ कि कोई भी UPSC एस्पिरेंट जो पढ़ाई करता है, मैं भी वैसी हूँ, और उस वक्त ये लगता था कि बस लिस्ट में अपना नाम देख लूँ, है ना, कभी सब दस देख लूँ कि चलो एक कुछ सिलेक्ट हो गई हूँ। तो मेरे लिए भी एक बहुत अच्छा प्लेजेंट सरप्राइज था कि मैं अच्छी रैंक ले पाई, और उसके लिए ना केवल मम्मी पापा के आशीर्वाद और पूरे परिवार का साथ, और कुछ खास दोस्त रहे जिन्होंने हमेशा मुझे मोटिवेट किया, और उसके अलावा कुछ टीचर्स मेंटर्स जिनके मैं कांटेक्ट में रही, तो उन सबको मैं इस चीज़ का, मैं कहूँगी जो कहते हैं, श्रेय देना चाहूँगी मेरी सफलता के लिए। दो मैंने एक नेमोनिक सोचा था, M और P, तो आई विल टॉक अबाउट 2 M's and 2 P's, ठीक है, तो आपको याद भी रह जाएगी चीज़, ठीक है। तो पहले P से स्टार्ट करते हैं। द फर्स्ट P इज अबाउट प्रोडक्टिविटी, कि कितना हम टाइम अपनी पढ़ाई को दे रहे हैं और उससे हम कितना आउटपुट ले पा रहे हैं, है ना। कई बार ऐसा होता है कि हम 10 से 12 मतलब है ना बिल्कुल गिन करके बैठे हैं, सुबह से इतना टाइम लगा रहे हैं, पर फिर भी अगर हम एंड में देखते हैं तो हम उतने टेस्ट सॉल्व नहीं कर पाते। क्या आपके साथ ऐसा हुआ है? तो ये चीज़ का प्रॉब्लम है, मेरे साथ भी होता था ऐसा ही, ये प्रोडक्टिविटी की प्रॉब्लम है। टाइम हम उतना लगा रहे हैं पर उतना रिजल्ट नहीं मिल पा रहा है। तो उसके लिए तो एक चीज़ ये कि मैंने कि जितने भी डिस्ट्रैक्शन हमारे एनवायरनमेंट में होते हैं, जैसे कि हमारा फ़ोन सबसे बड़ा, उसका जो यूट्यूब का ऐप है, उससे जो रेकमेंडेड वीडियोज़ में हम चले जाते हैं, उन चीज़ों को थोड़ा सा मैंने कम किया। उसके अलावा और भी जितनी चीज़ों में हम इन्वॉल्व रहते हैं इंटरनेट पर पढ़ाई के अलावा, उनको मैंने थोड़ा सा लिमिट करने की कोशिश की। और दूसरी चीज़, कहीं ना कहीं अपने आप को एक थोड़ा सा टाइम टेबल में बांधने की कोशिश की। हमारा हर दिन अलग होता है ना, कभी किसी दिन पढ़ने का मन करता है, कभी किसी दिन पढ़ने का मन नहीं करता है, लेकिन फिर भी हमको एटलीस्ट 5 to 6 hours, मैं कहूँगी, अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, माफ़ कीजिए आप लोग पीछे बैठे हैं, मैं आपको देख नहीं पा रही हूँ, बट तो किसी कोई भी एग्ज़ाम जो है वो 5 to 6 hours आपको रोज़, मतलब मैं कहूँगी कंसिस्टेंटली आपको देने की ज़रूरत है, है ना। और उसके लिए आप अपना एक कुछ छोटा सा रूटीन, भले ही सोने के पहले आधा घंटा अपना दिन जो है दूसरा वो आप प्लान कर लीजिए, क्योंकि हर दिन नया होता है। अगर एक दिन आप टाइम टेबल बना दिया यहाँ से यही करूँगा और एक वीक आप सोचो कि फॉलो हो जाए, तो मुझसे वो फॉलो नहीं हो पाता था। तो मैं ये करती थी कि सोने के पहले थोड़ा सा आधे घंटे में कल क्या क्या टॉपिक्स पढ़ने हैं, क्या क्या चैप्टर्स कवर करने हैं, वो सब एक बार मैं लिख लिया करती थी।